दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। पृथ्वी पर कई मिलियन साल पहले यहाँ डायनासोर का बसेरा था, यानी पृथ्वी पर डायनासोर रहते थे। हमने हॉलीवुड की मूवीज के जरिए डायनासोर पर बनी फिल्म जुरासिक पार्क देखी है। उस मूवी में हमने डायनासोर के पिक्चर्स, स्ट्रक्चर्स और फोटोग्राफ्स को बखूबी देखा है, उनका साइज, उनका आकार, वह दिखने में कैसे थे। और यह सब कुछ हो सका है वैज्ञानिकों के रिसर्च के चलते। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम जानेंगे कि डायनासोर की तरह दिखने वाले आज की धरती में कितने जानवर मौजूद हैं। पृथ्वी में इंसानों के साथ कई तरह के जानवरों और वनस्पतियों का बसेरा है, और पृथ्वी में एक समय ऐसा भी था कि जब बड़े बड़े आकार के डायनासोर पृथ्वी पर निवास करते थे। हालांकि वह प्रजाति, यानी डायनासोर की प्रजाति, पूरी तरह पृथ्वी से विलुप्त हो गई, लेकिन उनके जैसे दिखने वाले जानवर आज भी हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं। यानी यूं कहें कि उन्हीं की फैमिली से संबंधित कई सारे जानवर हमारी पृथ्वी में अभी भी पाए जाते हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम इन्हीं जानवरों को लेकर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारी पृथ्वी पर जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना और नई प्रजातियों का विकसित होना यह एक सतत और निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है, जबकि अभी तक केवल 5 ऐसे बड़े मौके आए हैं, यानी मास एक्सटिंक्शन इवेंट की घटना हुई है, जिसमें कोई न कोई प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो गई। ऐसी ही एक घटना करीब 6.6 करोड़ साल पहले हुई, जिसमें डायनासोर की 7 प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गई। और इसके बाद डायनासोर के बाद कुछ पनपे जीवन ने स्तनपायी जानवरों और फिर आज के इंसानों का वर्चस्व है। लेकिन करीब 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जानवर रहते थे जो कि डायनासोर की तरह दिखते थे, और उनमें से कुछ प्रजातियां आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। इनमें से ही एक है एमू, जो कि डायनासोर की तरह दिखने वाला एक पक्षी है। हालांकि ये डायनासोर के आकार की तुलना से काफी छोटे होते हैं, लेकिन उनकी गर्दन डायनासोर की ही तरह लंबी होती है। उनके लंबे पैर और इनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि 1 घंटे में 30 मील की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसके बाद एमू के बाद की बात करें तो कछुओं की प्रजातियां भी डायनासोर से मिलती जुलती हैं, क्योंकि कछुओं के गर्दन की बात करें तो उनकी गर्दनें भी काफी लंबी होती हैं और डायनासोर के रंग रूप से ही मिलती जुलती होती है। इसी तरह की एक प्रजाति उत्तरी कोलंबिया में पाए जाते हैं, जिनका रंग चमकीला होता है और उनकी गर्दन और पीठ काली और सफेद रंग की चमक रहती है। और इसी के आसपास दिखने वाली एक कैमॉन छिपकली भी होती है, जिनका आकार डायनासोर की तरह होता है। इन्हीं की एक प्रजाति है ड्राइकेनिया गुआनेसिस, यानी गुएना कैमॉन छिपकली। तो दोस्तों, ये थी बात डायनासोर की तरह दिखने वाले पृथ्वी पर कुछ प्रजातियों की। ऐसा माना जाता है कि यह डायनासोर की ही प्रजाति की ये जानवर पृथ्वी पर आज भी जिंदा और मौजूद है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। नमस्कार।